आकाश में चमकता हुआ चांद और जगमगाते तारों को देखकर भला किसका मन प्रसन्नता से नहीं बढ़ जाता। ऐसे ही ना जाने कितने फिल्मी सितारे हैं जो अपने दम पर अपनी रोशनी से फिल्मी दुनिया के फलक पर हमेशा से जगमगाते रहे हैं और यूं ही जगमगाते रहेंगे, बिल्कुल उसी सूरज की तरह जो अपने प्रकाश से सारे जहां को रोशन कर देता है। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों से पहले भी और उनके बाद भी ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जिनके फिल्मी दुनिया से कभी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने दम पर एक मुकाम बनाया और सभी के प्रेरणा स्रोत बने, और उन्हीं नामों में से एक है आज के सुपरस्टार और युवा पीढ़ी के आदर्श अक्षय कुमार। तो चलिए शुरुआत करेंगे अक्षय कुमार के माता पिता से। अक्षय के पिता हरिओम भाटिया अमृतसर से इंडियन आर्मी में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, बाद में अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, जिसके सिलसिले में वो पहले दिल्ली तो बाद में मुंबई में नियुक्त रहे। साथ ही साथ वह एक रसलर भी थे जिन्होंने पंजाब में नेशनल लेवल पर खेला भी था। वहीं अक्षय की माँ श्रीमती अरुणा भाटिया एक गृहिणी थी। उनकी संतानों में अक्षय के अलावा एक बेटी यानी अक्षय की एक छोटी बहन अलका भाटिया भी है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इस परिवार की पहचान सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में। 9 सितंबर 1967 को जन्मे अक्षय का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। इनका जन्म हुआ तो अमृतसर में था, परंतु इनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली में हुआ। जब अक्षय 3 साल के थे तब उनके पिता मुंबई आ गए और यहाँ एक शियोन कोलिवेड़ा में छोटे से घर में रहा करते थे। अपनी स्कूल की शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल मेरी दार्जिलिंग से पूरी करने के बाद अक्षय ने उस शिक्षा के लिए मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में अक्षय की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इनका मन खेलकूद और मार्शल आर्ट में ज्यादा रहता था और यही अब उनका सपना था। अपने दिल की बात सुनते हुए इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अक्षय ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। मार्शल आर्ट को वह और अच्छे से सीखने के लिए थाईलैंड जाने का फैसला किया और इसको पूरा करने के लिए उनके परिवार ने उनका भरपूर साथ दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विदेश में रहने का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहां पहुंचने के बाद खर्चे का जुगाड़ अक्षय ने खुद ही किया। इसके लिए बैंकॉक में इन्होंने मेट्रो गेस्ट हाउस ज्वाइन किया, जहां शुरुआत में इन्होंने वेटर तो बाद में रसोइयों का काम भी किया, जिसके अवज में उन्हें 1500 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। बैंकॉक में बीत रहे ये दिन अक्षय कुमार के जीवन के सबसे संघर्ष भरे दिन थे, जिनमें ये तपकर और भी मजबूत बनकर निकले। अक्षय काम भी करते और ट्रेनिंग भी, यहाँ इन्होंने थाई बॉक्सिंग और टाई ची ट्रेनिंग ली और ब्लैक बेल्ट होल्डर बनकर निकले। बाहर तो वापस आने के बाद अक्षय के दिमाग में कहीं भी फिल्मी दुनिया में जाने का विचार नहीं था। अक्षय की सोच थी कि कोई भी काम करके मार्शल आर्ट के जुनून को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए वापस आकर अक्षय ने कई नौकरी और छोटे मोटे बिजनेस में भी हाथ आजमाया। कुछ समय तक अक्षय ने यूनिसेक में ग्रीटिंग कार्ड भी बेचे, जिसमें एक कार्ड को बेचने पर 5 पैसे मिला करते थे। उसके बाद अक्षय ने 2-3 सालों तक नाम मात्र तनख्वाह पर कोलकाता व ढाका में काम किया। कोलकाता स्थित एक ट्रेवल एजेंसी में इन्होंने 1.5 सालों तक चपरासी का काम भी किया। अक्षय दिल्ली से कुंदन ज्वेलरी खरीदकर मुंबई जाकर बेचा करते थे और लौटते समय मुंबई के स्ट्रीट से कपड़े खरीदकर दिल्ली लाकर बेचते। कुछ दिनों तक अक्षय ने अपनी एक छोटी सी मार्शल आर्ट की एकेडमी भी चलाई, लेकिन अक्षय की किस्मत में बॉलीवुड में जाना लिखा था और किस्मत ने अपने रास्ते खुद बनाने शुरू कर दिए। इसके चलते उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के सुझाव पर मॉडलिंग की दुनिया में कदम बढ़ाया। यहाँ आकर जब उन्हें पता चला मात्र कुछ घंटे काम करके ही उतने पैसे कमाए जा सकते हैं जितने कि मार्शल आर्ट एकेडमी से 1 महीने में भी नहीं आएंगे, तो अक्षय ने इसी काम में करियर बनाने का विचार बनाया। मॉडलिंग के साथ साथ अक्षय डांस ग्रुप में बैक डांसर का भी काम करने लगे और अपने हर काम को मेहनत और ईमानदारी से निभाते गए। इसके साथ साथ अक्षय ने फिल्मी दुनिया की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था और बहुत संघर्ष के बाद अक्षय को 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में 7 सेकंड का छोटा सा रोल मिला। ये रोल एक कराटे टीचर का था। रोल इतना छोटा था कि अक्षय का चेहरा भी स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया। इस फिल्म के हीरो थे कुमार गौरव और फिल्म में कुमार गौरव का नाम था अक्षय। ये नाम अक्षय यानी राजीव भाटिया को ऐसा भाया कि राजीव हरिओम भाटिया ने अपना नाम बदलकर अक्षय कुमार ही रख लिया। इसके बाद अक्षय का संघर्ष लगातार जारी रहा। एक बार की बात, अक्षय को मॉडलिंग के काम से एक एड शूट के लिए सुबह की फ्लाइट से बैंकॉक जाना था, लेकिन किसी कारणवश अक्षय से वो फ्लाइट छूट गई और इस तरह से उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया। इससे अक्षय बहुत निराश हुए क्योंकि उनके लिए वो काम बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और यहाँ अक्षय के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला था। निराश अक्षय उसी शाम नटराज स्टूडियो के सामने से गुजर रहे थे, जहाँ उन पर नजर पड़ी डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के स्टाफ मेंबर नरेंद्र सिंह की, जो कि प्रमोद चक्रवर्ती अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और आधे घंटे में ही अक्षय को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और वह फिल्म थी दीदार। अगर अक्षय की फ्लाइट नहीं छूटती तो शायद
कहानी कुछ और ही होती। अक्षय आज भी प्रमोद और नरेंद्र सिंह का आभार मानते हैं। नरेंद्र सिंह जी तभी से अक्षय के मेकअप मैन है। अक्षय ने अपनी पहली फिल्म के तौर पर दीदार साइन की, लेकिन अक्षय की पहली प्रदर्शित फिल्म सौगंध थी। इसके बाद अक्षय दीदार, मिस्टर बॉन्ड, खिलाड़ी, सैनिक, वक्त हमारा है, सुहाग, अमानत, इक्के पिक्का, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मोरा, जय किशन, ये दिल लगी जैसी फिल्मों में हीरो नजर आए। अभी तक प्रदर्शित फिल्मों में अक्षय की छवि एक एक्शन स्टार के तौर पर तो बन चुकी थी, परंतु अभिनय के मामले में अक्षय खुद को अभी तक साबित नहीं कर पाए थे। धड़कन फिल्म के जरिए उन्होंने इस बात को अभी गलत साबित कर दिया कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते। इसके बाद अक्षय की एक्टिंग फिल्म दर फिल्म और निखरती चली गई। अक्षय की प्रतिभा और देश सेवा के सम्मान में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। बॉलीवुड में अक्षय अब अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं और उनकी ये सफलता भी आसमान छू रही है, जो कभी कम नहीं हो सकती। अगर बात करें उनके निजी जीवन की, तो 17 जनवरी 2001 को अक्षय ने फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के साथ शादी की। इनकी शादी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। एक तरह से इनकी शादी में हाथ है आमिर खान की फिल्म का। वैसे तो अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ट्विंकल और अक्षय अपनी फिल्म करियर में व्यस्त रहने के कारण शादी के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसी समय साल 2000 में ट्विंकल की एक फिल्म आने वाली थी और इसके प्रदर्शन के पहले अक्षय और ट्विंकल में ये निर्णय लिया कि अगर ये फिल्म हिट होती है तो ट्विंकल अपने करियर को आगे बढ़ाएगी, नहीं तो दोनों शादी कर लेंगे। और वह फिल्म थी आमिर और ट्विंकल खन्ना की मेला, जो आमिर खान की फिल्म के जीवन की सबसे असफल फिल्मों में से एक है। ट्विंकल का असली नाम टीना जतिन खन्ना है और ये बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी है। जहाँ राजेश खन्ना हर भारतीय के दिल में अपने रोमानी छवि के साथ आराधना, कटी पतंग, सफर, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों से जीवित है, तो वहीं डिंपल कपाड़िया भी बॉबी, सागर राम लखन और रूडाली जैसी फिल्मों से अपना अभिनय क्षमता का लोहा बना चुकी है। खुद ट्विंकल ने भी बॉबी के साथ बरसात फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और जान, दिल तेरा दीवाना, इतिहास और बादशाह जैसी फिल्मों में नजर आई। ट्विंकल ने बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सभी सफल नहीं हो पाई। अपने फिल्मी करियर के दौरान ट्विंकल ने अपने पति अक्षय के साथ भी दो फिल्में की, जिनमें इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्मी शामिल है, और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। शादी के बाद ट्विंकल ने एक्टिंग छोड़कर अपना करियर इंटीरियर डिजाइनिंग में बनाया और वो अभी दवा विंडो स्टोर की ओनर है। और ट्विंकल लेखन की दुनिया में भी सक्रिय है। इनकी पहली किताब श्रीमती मनी बॉक्स 2015 में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। अक्षय और ट्विंकल की दो संतान है, एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है। जहां आरव पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे बॉलीवुड की तैयारी में जुट चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद।